नेहा धूपिया ने ये क्या कर डाला, हाय मार डाला। बेचारे शैलेंद्र सिंह को क्या पता था कि जिस इंटरनेशनल ब्रांड की बाइक को लॉन्च करने के लिए वो जिस हसीना को लाए हैं, वो इस बाइक की जगह उन्हें ही किक मार देगी। Well, अगर आप सीरियसली सोच रहे हैं कि नेहा ने परसेप के जॉइंट एमडी शैलेंद्र सिंह को वाकई हर्ट कर दिया है तो डोंट वरी, शैलेंद्र एकदम फिट हैं और नेहा की इस किक को भी सेंस ऑफ ह्यूमर में ले रहे हैं। चलिए, शैलेंद्र का बड़प्पन है ये कि उन्होंने नेहा को माफी मांगने से पहले ही माफ कर दिया। शायद शैलेंद्र भी जानते हैं कि नेहा को बाइक्स कितनी पसंद है और जब नेहा ने एक इंटरनेशनल ब्रांड के लिए इनक्रेडिबल बाइक देखी तो लगता है कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई हमारी नेहा। You know, I'm one of those girls who grew up on a bike because my father was always riding a bike in his younger days called the ST, and then after that we moved on and I was never allowed to own a bike. This isn't a bike, like they say in the right word. This is a chopper. It is an incredible piece of machinery. I just sat on it and I felt like I was going to take off. It was incredible. और देखिए कैसा टेक ऑफ किया हमारी नेहा ने। बेचारे शैलेंद्र को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जोक्स अपार्ट, इस फनी कवरेज के बाद आपको इस इवेंट का अपडेट दे देते हैं। दरअसल नेहा एक फेस्टिवल में इस बाइक को लॉन्च करने पहुंची थी और इस फेस्टिवल की खासियत आप खुद नेहा से सुन लीजिए। What's really, really wonderful is that it's Asia's largest electronic music festival, and that's something that all of us should be proud of, that it was conceptualized right here by this man sitting on my left. बट नेहा, आपके लेफ्ट में बैठे शैलेंद्र को अपनी पोजीशन बदलने का पूरा हक है। भाई वो लेफ्ट में क्या आए, आपने तो उन्हें किक ही जमा दिया। अनजाने में ही सही, लेकिन देखिए सच में लग गया उन्हें। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें ज्यादा नहीं लगा, और कहीं अगर शैलेंद्र की जगह कोई और होता तो हो सकता है वो हो जाता आपसे नाराज। सो नेक्स्ट टाइम बेटर टेक केयर। आरती दानी, जूम, मुंबई।